भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेटिंगन और ओल्टन के बीच में खेले जाने वाले आज के ECS स्विट्जरलैंड T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों ECS स्विट्जरलैंड T10 का मैच नंबर 31वां खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे दोस्तों उन सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में लेना है, और बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में लेकर के चलना है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी टेलीग्राम पर आ जाइए फटाफट से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाइनअप के अपडेट, टॉस के अपडेट आपको मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक डेमो टीम भी मेरी दे देता हूँ, जो कि मेरी टीम रहती है। इसके थ्रू दोस्तों इसको भी आप खेल सकते हो इसके थ्रू भी, या फिर आप अपनी खुद की टीम भी बना सकते हो एक दो प्लेयर चेंज करके। तो कुछ आपको यहाँ पे ऐसे मैं टिप्स देने की कोशिश करता हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात करने हैं, लिंक की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग फटाफट से आ सकते हैं टेलीग्राम पर। बात करें मैच के बारे में, तो दोस्तों मैच नंबर 31वां जो खेला जाएगा इस स्विट्जरलैंड T10 का, WTG और OLT के बीच 12:15 का मैच स्टार्ट होगा, और वेन्यू रहेगा दोस्तों स्टेगलैंड का। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस ही देखने को मिलेगा इस वेन्यू पे। दोस्तों अभी तक 30 मैच खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 17 मैच, बैटिंग सेकेंड ने 12 मैच, और एक मैच यहाँ पर अबंडेंट हुआ है। 90 से 120 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करें टीम WTG के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इनकी टीम की तरफ से नरेश कुमार, थंगा वर्डेल और उनके साथ मोहम्मद अख्तर, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। नरेश कुमार, थंगा वर्डेल और मोहम्मद अख्तर दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, और नरेश कुमार का देख सकते हैं अभी तक दोस्तों ये 2 ओवर की बॉलिंग भी करा रहा है, ठीक है। 2 ओवर की बॉलिंग कराता है, साथ ही ओपनिंग पे आ रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा नहीं रहा है, देखो यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, ये 2 ही मैच में अभी तक चला है इस वाले 2 मैच में। बाकी दोस्तों ओवरऑल बोले ना तो ये एक अच्छा प्लेयर है, कोई ख़राब प्लेयर नहीं है, बस अभी नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है इसका। और उसके बाद आएंगे मोहम्मद अख्तर, कभी कभी आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, और अभी तक 52, 46, 34 और 59 रन की इनिंग अभी तक खेला हुआ है, तो बेहतरीन एक हार्ड हिटर प्लेयर है, बिल्कुल इसको लेकर के चलेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हो मोहम्मद अख्तर को। उसके बाद आएंगे दोस्तों थिवागरन सेल्वियानगम, जिनका देख सकते हो परफॉर्मेंस अभी तक 57 नॉट आउट, यहाँ 0 विकेट, 7 नॉट आउट, 1 विकेट। उसके बाद दोस्तों लास्ट के 3 मैचेस में इसको बॉलिंग नहीं मिला है, लेकिन उसमें 46 और 20 रन की इनिंग भी इंक्लूड है, तो बैटिंग भी इसका ठीक ठाक है, बैटिंग अच्छा कर लेता है। बाकी बॉलिंग करेगा कि नहीं वो तो मैं आपको टॉस के बाद ही बता पाऊंगा जब मुझे लाइनअप मिलेगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये भी अच्छा प्लेयर है दोस्तों। उसके बाद आएंगे पेरिनपम योगेथरन, इनका देख सकते हो हर मैच में 2 ओवर है, ठीक है। इस मैच को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 2 ओवर, यहाँ पे 2 ओवर डाला, यहाँ पे 1 ओवर, यहाँ पे 2 ओवर, तो यहाँ पे 2 विकेट है, यहाँ पे 2 विकेट है, यहाँ पे 3 विकेट है, तो अच्छा खासा विकेट लेता भी है। और बैटिंग से भी देख सकते हो 30-55 रन की इनिंग, तो एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर बोल सकते हैं इसको, जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद आएंगे क्वेम शरीफ जाई, लास्ट मैच में 29 नॉट आउट था, बैटिंग थोड़ा डाउन है, वरना प्लेयर बेहतरीन है दोस्तों ये भी, और इसको बॉलिंग नहीं दिया जा रहा है। 6 मैच के अंदर इसका देख सकते हो 15 विकेट का रिकॉर्ड है, तो कभी भी ये बॉलिंग कर सकता है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। अगर इनके टीम में बॉलर्स की कमी रहेगी तब ये बॉलिंग कराएगा, उस टाइम पर आप समझ जाना कि इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद दोस्तों गुलसलवन है, शांति किरम है, जिनका देख सकते हो अभी तक परफॉर्मेंस 1 विकेट 2 ओवर डाल के, यहाँ पे 1 विकेट 2 ओवर डाल के, यहाँ पे 2 विकेट 2 ओवर डाल के, तो ओवरऑल इसका भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों खेलेगा तो ये तो 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा ही, मुझे तो लग रहा है कि इसको 2 ओवर मिलना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल टीम में ट्राई करके चलना। उसके बाद आएंगे पचा सबरीतुल्ला, इनको मौका नहीं दिया जा रहा है, इनका भी 6 मैच के अंदर 12 विकेट का रिकॉर्ड है, लेकिन 1 मैच में यहाँ पे बॉलिंग मिला था, 1 मैच में यहाँ पे, बाकी कंटिन्यू टीम इनको बॉलिंग भी नहीं दे रहा है, क्योंकि इनके तरफ बॉलर्स ठीक ठाक खेल रहे हैं तो इसीलिए बॉलिंग नहीं मिल रहा है, बाकी नहीं खेले तो बिल्कुल इनको मिलेगा चांस। उसके बाद दोस्तों निरंजन मणि कावरसकर हैं, जिनका देख सकते हो लास्ट के 2 मैच में 2-2 ओवर डाला लेकिन विकेट लेस रहा, इसका भी 6 मैच के अंदर 11 विकेट का रिकॉर्ड है 5 इनिंग के अंदर, ठीक है, बेहतरीन रिकॉर्ड ये भी रखता है, लेकिन अभी तक थोड़ा फ्लॉप ही रहा है बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल ग्रैंड लीग के लिए ट्राइबल प्लेयर रहेगा, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। मुजीब मोमन है, अभी तक इनको नहीं मिल रहा है मौका, तो इनको मैं ड्रॉप करके चलूँगा। उसके बाद दोस्तों अब्दुल रहमान हलीम है, इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। नीचे से है मोहम्मदुल्ला चक्री,
जिनको लास्ट मैच में दो दो ओवर मिला और इन्होंने कमाल भी करके दिखाया, 2 विकेट 1 मैच में 1 विकेट 1 मैच में, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिया। तो बिल्कुल लेकर के चल सकते हो, क्योंकि इनकी टीम ना एक ऐसे प्लेयर को जरूर मौका दे रहा है जिसका रिकॉर्ड ठीक ठाक है T10 के अंदर या फिर T20 के अंदर, बाकी वो परफॉर्मेंस नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो निरंजन को ट्राई कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं। अभी के लिए मैं आपको बताऊं इनकी टीम की तरफ से, तो नरेश कुमार, मोहम्मद अख्तर दोनों को लेना, और थीवा गरन को भी लेकर के चल सकते हो। और यहाँ से दोस्तों पेरिनपम योगेथरन इंपॉर्टेंट रहेंगे, और नीचे से गुलशवन को अपनी टीम में लेकर के चलना। और यहाँ से अगर ट्राई करना चाहो तो निरंजन है और मोहम्मदुल्ला चक्री हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में से कोई भी खेलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, आप लोग सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड एक बार रीड कर लो। स्टार्टिंग ओवर की बात करूँ तो मोहम्मदुल्ला चक्री हैं, जी शांति रा विक्रम हैं, और दोस्तों डेथ ओवर्स में निरंजन आपको योगेथरन के साथ बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों, ठीक है, निरंजन और योगेथरन। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों टीम OLT के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो OLT की टीम के तरफ से मलयार स्टेनिक जाई हैं और यशोथरन, ये दोनों मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करने चाहिए। मलयार स्टेनिक जाई दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग हर मैच में करा है, यहाँ पे देख सकते हो उसमें भी 2 ओवर 2 ओवर 2 ओवर विकेट्स भी है किक, ठीक है। लास्ट मैच में दोस्तों विकेट टेस्ट रहा था लेकिन 17 और 18 रन बैटिंग से किए थे, तो इसको तो बिल्कुल लेकर के चलना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे करके जाता है, और साथ ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का प्रबल दावेदार भी रहने वाला है ये, बिल्कुल मेरी टीम में तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में जरूर दे करके चलूंगा। उसके बाद दोस्तों यशोथरन का भी देख सकते हैं 32-27-36 रन की इनिंग, और 2 मैच में फ्लॉप रहा है लेकिन ओवरऑल के भी अच्छा प्लेयर है, तो बिल्कुल लेकर के चलना। रोशनाथ करुणामूर्ति हैं, अभी तक दोस्तों एक डिसेंट परफॉर्मेंस खेला है, 70 नॉट आउट, 26-26-18, ये 4 इनिंग ठीक ठाक है, तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे। उसके बाद दोस्तों मुरलीधरन गणेश एकरम हैं, 32 नॉट आउट, 14-5 रन 2 विकेट 1 ओवर डाल के, तो लास्ट मैच में 1 ओवर मिला था जिसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था ये, तो बिल्कुल लेना चाहो तो आपकी मर्जी रहेगी, अगर एक अच्छा प्लेयर ये भी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रेहान स्टेनिक जाई हैं, प्लेयर ये भी बढ़िया है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, ठीक है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, अभी तक दोस्तों 5 मैच खेला, 5ों में इसके नाम विकेट रहा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से परफॉर्मेंस दे करके जाएगा, तो रेहान स्टेनिक जाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टीम में रहेगा ये। उसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज वरुथरन है, जिनका 26 नॉट आउट 1 मैच में रहा है, बाकी बैटिंग डाउन है तो ड्रॉप करके चलेंगे इनको, ठीक है। डियोन जॉनसन है, प्लेयर शानदार है, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, 1 विकेट यहाँ 2 विकेट यहाँ, यहाँ पे दोस्तों विकेट ले रहा हालांकि, लेकिन 18 रन किए, यहाँ पे 20 रन प्लस 2 विकेट, तो एक ऑलराउंडर प्लेयर है, बेहतरीन आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे करके जाएगा, तो बिल्कुल मेरी टीम में रहेगा दोस्तों, मैं तो ड्रॉप नहीं करूँगा। एस अब्दुल वारिंदु है, बैटिंग थोड़ा सा डाउन रहेगा इसके वजह से ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको अच्छा ऑप्शन लगे तो दोस्तों ये विकेट कीपर है, इसको लेकर के चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों शक्तिश्वर शिवाकरण है, ये लास्ट मैच में 2-2 ओवर डाले थे, 1 विकेट यहाँ 2 विकेट यहाँ पे मिला था, एक बढ़िया प्लेयर है ये भी, 5 मैच में 5 विकेट का रिकॉर्ड है इसका, T10 के अंदर ही रिकॉर्ड है, और बिल्कुल चाहो तो आज के मैच में इसको ट्राई कर सकते हो। नई मिस्टेक जाए हैं, ड्रॉप करके चलेंगे, बैटिंग थोड़ा डाउन है। जे मगजाना है दोस्तों, लास्ट के मैचेस में देखो काफ़ी अच्छा इसने बॉलिंग भी किया था, लेकिन लास्ट के 1 मैच में विकेट लग रहा था, यहाँ 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ठीक है। प्लेयर अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी आ रहा है, लेना चाहो तो लेकर के चलना। अभी के लिए मैं इनके टीम की तरफ से आप लोग के लिए सजेस्ट करूंगा मलयार स्टेनेक जाई हैं, और यशोथरन एक अच्छे प्लेयर रहेंगे, रोशनाथ करुणामूर्ति और मुरलीधरन गणेश एकरम एक बढ़िया प्लेयर रहेंगे, इनको भी ट्राई करके चल सकते हो। रेहान स्टेनेक जाई हैं, डियोन जॉनसन है, और शक्तिश्वरन है दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जे मगजाना है, तो इन्हीं में से आप किसी किसी को रोटेट करके अपनी टीम बनाना। बाकी इनके बेंच के प्लेयर की बात करें तो यहाँ से कोई भी खेलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, आप एक बार सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड यहाँ से खुद से रीड कर लो। स्टार्टिंग ओवर की बात करें तो मलयार स्टेनिक जाई हैं, रेहान स्टेनिक जाई हैं, और डेथ ओवर्स में मलयार स्टेनिक जाई और डियोन जॉनसन आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में। दोस्तों बात करें एक डेमो टीम की, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे मुख्तर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, तो मैं इनको अभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। एस अब्दुल वारिदी को नहीं ले रहा हूँ मैं अपनी टीम में, आप चाहो तो इनको भी लेकर के चल सकते हो, बैटिंग थोड़ा डाउन है। एन स्टेनिक जाए का भी बैटिंग थोड़ा डाउन है, इसलिए प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन से सबसे पहले तो
योगी थरन को लेकर के चलेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको लेना है तो यहाँ पे गणशेखरम को अपनी टीम में लेकर के चलना, क्योंकि इनका भी बैटिंग टॉप ऑर्डर में ही आता है, तो अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस दे करके जा सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से नरेश कुमार हैं जी, शांतिकरम है दोस्तों, इनको लेकर के चलेंगे, और टी सिल्वान को लेकर के चलेंगे दोस्तों, एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, तो बिल्कुल मेरी टीम में रह गए। मलियार स्टेनेकजाई को टीम में ट्राई करके चल सकते हो, डियोन जॉनसन है, रेहान स्टेनेकजाई है, तो दो प्लेयर को अपनी टीम में बिल्कुल लेकर, यहाँ पे छह प्लेयर हो जाते हैं ऑलराउंडर से, ठीक है, और नीचे के ये दो प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको लेकर के चलेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों आपके लिए चक्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, निरंजन भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अगर आप इनको नहीं लेना चाहते तो आप योगेंथिरन भी एक अच्छे ऑप्शन है, ठीक है, योगेंथिरन है सॉरी इनका नाम, योगेंथिरन काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, इसको भी लेकर के चल सकते हो। चक्री को हटाना चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, और मनिका वसर को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो, और यहाँ से जे मगजाना है, ये भी एक अच्छा प्लेयर है मगजाना भी, और करुणा मूर्ति को दोस्तों ड्रॉप करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं इसको भी लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि ये हार्ड हिटर प्लेयर है दोस्तों, ठीक है, कभी भी बॉलिंग बैटिंग कर सकता है। तो ये अभी के लिए मेरी डेमो टीम है, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो मलियार स्टेनेकजाई एक ऑप्शन है यहाँ पर, और रेहान स्टेनेकजाई को भी दे सकते हो आप लोग, और यहाँ से नरेश कुमार भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी के लिए मोहम्मद अख्तर एक अच्छे ऑप्शन है, और पी योगेंथिरन आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। तो ये पांच जो दिख रहे हैं मार्क किया हूँ, इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा, और आप लोग को भी पता है अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। बाकी जो मेरी फाइनल टीम रहेगी ना मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।